अपनी खुद की ही वीडियो खुद के ही फोन से देखने से हमें क्या नुकसान होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, सीधी सीधी बात आप समझ लो, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये तो वीडियो जो मैंने बनाई है आपके लिए बनाई है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, जो जानकारी है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और इस वीडियो में मैंने क्या बनाया है, किस तरीके से चीज़ें बताई हैं, वो तो मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो मुझे ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने जो अपनी वीडियो बनाई, एडिट वगैरह करी, इतनी मेहनत करी है, यूट्यूब पे पोस्ट करी है, तो वो कैसी दिखाई दे रही है। तो आपने जैसा एडिट करके एक्सपोर्ट किया होगा, एज इट इज़ वैसी की वैसी ही दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अंदर चुल मची रहती है कि हमें अपनी वीडियो देखनी है। तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, करते क्या है, उनके पास जो फ़ोन है, जिस फ़ोन से उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसी से सारी चीज़ें वो करते हैं, वीडियो को शूट करना, एडिट करना, हर एक चीज़ उसी फ़ोन से करना है। उन्होंने उस फ़ोन से वीडियो बनाई और उसी फ़ोन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी और उसी फ़ोन में अपनी ही वीडियो को यूट्यूब के थ्रू ही प्ले करके देख रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है। क्यों गलत होता है वो मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले ये समझ लो, अभी के टाइम में होता क्या है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो, हर चैनल पर एड्स आते ही हैं, ठीक है। जो भी एड्स आते हैं उसका 45% यूट्यूब खुद रखता है, 55% क्रिएटर्स को देता है। लेकिन ये तब मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो सारा का सारा 100% यूट्यूब खुद रखता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपने नया नया चैनल बनाया है, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हो, अपने ही मोबाइल से आपने 2-3 बार वीडियोज़ को देख लिया है, इट्स ओके, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ बार बार करोगे तो दिक्कत होगा। इट मीन्स कि जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि हम अपने ही फ़ोन से अपने ही वीडियोज़ को बार बार देख करके वॉच टाइम बढ़ा लें, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट कर लें। ऐसा अगर आप सोचते हो या फिर ऐसा आप करते भी हो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। वो कैसे, वो समझ लेना। जैसे मान लीजिए आपने अपने ही फ़ोन में अपनी ही वीडियोज़ को बहुत बार देखा है, बार बार प्ले करके पूरे दिन छोड़ देते हो और वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपका वॉच टाइम बढ़ रहा है। चलो मान लीजिए आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम किसी भी तरीके से बढ़ा लिया। अब जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो यूट्यूब ये भी चेक करता है कि आपको वॉच टाइम कहाँ कहाँ से मिला है, मतलब जेन्युइन ट्रैफिक के थ्रू आए हैं या फिर किस तरीके से, यूट्यूब को पता चल जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि यूट्यूब को नहीं पता चलेगा, सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, उसको पता चल जाता है। ऐसा आपने कर लिया है तो जब यूट्यूब ये देखेगा कि आपने कुछ गलत वे से या फिर खुद ही वीडियोज़ को देख करके अपना वॉच टाइम बढ़ाया है, तो आपके चैनल को वो मोनेटाइज ही नहीं करेगा, आपको वो मेल भेज देगा कि हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते, ये एक कारण है। तो यहाँ से फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपने कभी कभार एक आध बार प्ले करके देख भी लिया है, इट्स ओके। अब बात करते हैं चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद की चीज़ें। जैसे मान लीजिए अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अब जब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलती है उस पे जो एड्स आते हैं उसी की रेवेन्यू आपको मिलती है। तो आप ये सोच रहे हो कि जितने ज़्यादा हमारे वीडियोज को चलाएंगे उस पर उतने ही ज़्यादा एड्स आएंगे और उतनी ज़्यादा रेवेन्यू बनेगी। इस चक्कर में भी अगर आप अपने फ़ोन में खुद की ही वीडियो प्ले करते हो, बार बार एड्स आ रहे हैं, चला रहे हो, बार बार ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ें यूट्यूब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के अंदर काउंट करेगा और उसके बाद क्या होगा, आपके गूगल एडसेंस को भी यूट्यूब डिसेबल कर देगा। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसी भी कंडीशन हो अपनी वीडियो तो अपने फ़ोन में देखो ही मत, चैनल मोनेटाइज हो तब भी या फिर ना हो तब भी। और मान लो आपको बहुत ही मन कर रहा है खुद की वीडियो देखनी है, तो घर में किसी भी फैमिली मेम्बर का कोई मोबाइल है उसमें अपने चैनल को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वाईफाई के थ्रू मत देखना। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई वाईफाई आपके घर में चलता है, उसी वाईफाई से वो भी यूट्यूब चैनल चल रहा है उसको, मतलब उसमें वीडियोज़ वगैरह आप अपलोड करते हो और उसी वाईफाई से आप अपनी ही वीडियो प्ले कर रहे हो, एक आध बार प्ले करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार ये चीज़ें करोगे तो यूट्यूब इसको काउंट करेगा। तो इससे बेहतर है कि उस मोबाइल में जो अपना डेटा रहता है उसके थ्रू आप उस वीडियो को प्ले कर दो या फिर किसी और अदर वाईफाई के थ्रू प्ले कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी वीडियो अपने प्ले कर रहे हो किसी भी फ़ोन में तो उसको बीच में मत कट करो, उसको पूरा चल जाने दो। अब यहाँ पे मोनेटाइज चैनल के लिए एक और प्रॉब्लम आती है, वो होता है पिन कमेंट का। पिन कमेंट इट मीन्स जैसे कि मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी इसी वीडियो में खुद ही इसी आईडी से, जैसे सीखो कंप्यूटर टेक मेरा चैनल है, इसी चैनल के आईडी से मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जाहिर सी बात है अपने ही फ़ोन में मैं खुद की ही वीडियो प्ले करूँगा तभी उसमें कमेंट कर पाऊँगा। और बहुत सारे लोग पिन कमेंट डालते हैं, कोई लिंक डालते हैं, कोई अपनी बात शेयर करते हैं, तो ये करने से पहले वो क्या करते हैं, जिस भी वीडियो पे वो कमेंट अपना पिन कर रहे हैं वो उससे पहले वो क्या करते हैं, उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर देते हैं, उसके बाद वीडियो पे क्लिक करके जो भी कमेंट लिखना है वो लिख देते हैं, उसके बाद वीडियो का फिर से मोनेटाइजेशन ऑन करके सेव कर देते हैं।
ये सेफ तरीका होता है पिन कमेंट करने का। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपने चैनल पे वर्क करना, ताकि आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी कोई एक्टिविटी आपसे कभी हुई है या फिर आपने कभी करी है तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने अपना वीएन एडिटर का कोर्स भी लॉन्च कराया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करके वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।